दोस्तों नमस्कार। हर किसी का ख्वाहिश होता है एक बार स्पेस जाऊं, स्पेस जाके पूरा दुनिया का नज़ारा देखूं, चांद सितारे धरती ये सब नज़ारा कैसा होता है, कितना सुंदर लगता है। वास्तव में जब स्पेस हम जाते हैं बहुत ही उत्सुक होता है अपना लाइफ में कि मैं कुछ नया खोज करने जा रहा हूँ। खोज करते 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 एक नया अनुभव मिलता है हमें। जब दुनिया में घूमते हैं, स्पेस में घूमते हैं, राउंड करते हैं, कितना मज़ा आता है। मज़ा भी लेते हैं, खोज भी करते हैं, जिंदगी का सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। लगता है हमें हाँ आज हम कामयाब हो गए, अपना लाइफ में एक नया चीज़ नया करने का मौका मिला, शायद भगवान ने हमें इसीलिए पैदा किया था, ये मन में फीलिंग होती है। आज देखिए धरती सूर्य की चारों तरफ घूमती है, एक चक्कर लगाने के लिए उसको 365 दिन 6 घंटा लगता है। हम लोग 365 दिन काउंट करते हैं, 6 घंटा काउंट नहीं करते। ये 6 घंटा हर 4 साल में एक प्रतिवर्ष होता है, जो कि फरवरी में हम 28 दिन काउंट करते हैं, होता है ना, उसको लीप ईयर बोलते हैं। वो 6-6 घंटा बढ़ बढ़ के एक दिन होता है, 4 साल में जाके एक दिन कंप्लीट होता है, उसी को लीप ईयर बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य चारों तरफ घूमती है और सूर्य अपने आप घूमने के लिए उसको 24 घंटा लगता है एक राउंड घूमने के लिए। उसका रेडियस कितना है, 64,000 किलोमीटर है, तो उसका परिधि कितना है आप अनुमान लगाइए। मतलब इतना किलोमीटर जब वो एक चक्कर लगाती है अपने आप में, समझ लीजिए उसका स्पीड कितना होगी। हमें फीलिंग नहीं होती है, हमें महसूस नहीं होती है, लेकिन सूर्य भी पूरा मूवेबल है, एकदम घूमती रहती, बहुत तेज़ी से घूमती है। अपने आप को देखो, ऊपर जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही चांद, जिसको हम चांद बोलते हैं, अंग्रेजी में मून बोलते हैं, चांद भी पृथ्वी की चारों तरफ घूमती रहती है। वो अपना मैग्नेटिक बनाए रखती है, उसी स्पेस में रेडियस में वो घूमती रहती है। चंद्र पृथ्वी के ऊपर घूमती है, वो हमारा उपग्रह होता है, कहा जाता है उसको, हमारा धरती का उपग्रह है। और चांद और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब ये चांद बीच में आ जाती है तो धरती में कुछ इफेक्ट होता है, लोग बोलते हैं ग्रहण लग गया, कभी सूर्य ग्रहण लग गया बोलते हैं ना, कभी पृथ्वी अगर सूर्य के वहाँ आ जाती है, चांद इधर आता है तो बोलते हैं चंद्र ग्रहण आ गया। ये सब दिशा जब बदलती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो उनका परछाई पड़ता है, वही ग्रहण कहा जाता है। ये जो ग्रहण का मापजोक है ना, बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराने से बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करके बनाया गया है। समझ लीजिए उस ज़माने भी जो इसका कैलकुलेशन करते थे उनका, वो लोग भी कितना माइंडेड होते थे, क्योंकि उस मोमेंट माइक्रोफोन नहीं होता था, कुछ भी मशीन नहीं होता था, अपना दिमाग से कैलकुलेशन करके गणना करते थे। ये सब नज़ारा देखने के लिए हमें स्पेस से मिलता है, स्पेस जाके सब नज़ारा आप देख सकते हैं, धरती में क्या एक्टिविटी हो रही है, चंद्रमा में क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब ये सब नज़ारा देखने के लिए हमें मिलता है। हम जाते हैं सैटेलाइट से, कैसे ब्लास्ट करते हुए जाती है, लौटते भी हैं, देखो धरती के ऊपर लौटते भी हैं, कैसे लौटते हैं ये लैंडिंग करके दिखाया गया। ये देखिए लैंडिंग कर रहा है, कितना बढ़िया नज़ारा है। अभी इनको ये मालूम ही नहीं था कि हम लोग वापस भी आएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है स्पेस में। सपोज हमारा
हम जिसमें जाते हैं वही ऊपर में जाके ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी खराबी हो गया तो समझ लीजिए ब्लास्ट हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, वो भी स्पेस में चक्कर काटता रहेगा क्योंकि वो टूटेगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब वो खराबी नहीं होता है। इंसान भी अगर स्पेस में ही रह गया तो ऐसे ही उसी पोजीशन में मूव करता रहेगा, सड़ेगा ना, गलेगा ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब कितना रिस्क है, ये सब जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। हर किसी का ख्वाहिश होता है एक बार स्पेस जाऊं, स्पेस जाके पूरा दुनिया का नज़ारा देखूं, चांद सितारे धरती ये सब नज़ारा कैसा होता है, कितना सुंदर लगता है। वास्तव में जब स्पेस हम जाते हैं बहुत ही उत्सुक होता है अपना लाइफ में कि मैं कुछ नया खोज करने जा रहा हूँ। खोज करते 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 एक नया अनुभव मिलता है हमें। जब दुनिया में घूमते हैं, स्पेस में घूमते हैं, राउंड करते हैं, कितना मज़ा आता है। मज़ा भी लेते हैं, खोज भी करते हैं, ज़िंदगी का सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। लगता है हमें हाँ आज हम कामयाब हो गए, अपना लाइफ में एक नया चीज़ नया करने का मौका मिला, शायद भगवान ने हमें इसीलिए पैदा किया था, ये मन में फीलिंग होती है। आज देखिए धरती सूर्य की चारों तरफ घूमती है, एक चक्कर लगाने के लिए उसको 365 दिन 6 घंटा लगता है। हम लोग 365 दिन काउंट करते हैं, 6 घंटा काउंट नहीं करते। ये 6 घंटा हर 4 साल में एक प्रतिवर्ष होता है, जो कि फरवरी में हम 28 दिन काउंट करते हैं, होता है ना, उसको लीप ईयर बोलते हैं। वो 6-6 घंटा बढ़ बढ़ के एक दिन होता है, 4 साल में जाके एक दिन कंप्लीट होता है, उसी को लीप ईयर बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य चारों तरफ घूमती है,